बाल स्कूल मंडी में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रविवार को कोरोना SOP के तहत HPSC का एग्जाम आयोजित किया गया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बाल स्कूल मंडी के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि बाल स्कूल में 2 सत्र में सुबह 10 से 12 बजे तक तथा दोपहर बाद 2 बजे से 4 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की गई। इसमें सुबह के सत्र में 180 में से सिर्फ 114 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया। वहीं शाम के सेशन में भी 180 में से 111 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। हेलो, मेरा नाम सौंदर्य है और मैंने अभी HPS का एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम काफ़ी मतलब अच्छा था, लेवल काफ़ी अच्छा था एग्ज़ाम का, पेपर 1 और पेपर 2 का, और कोविड की भी सारी गाइडलाइंस वगैरह सब फॉलो की थी तो सब कुछ ठीक। मेरा नाम मनीष है, माय नेम इज ऑल ओवर द एग्ज़ाम वाज गुड बट दिस टाइम द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड। So before the HPSC we have seen they used to put very less kind of the psychological questions, but this time the question was different from the previous years. All over the question paper was good. I can say the moderate to hard. Corona guidelines, everyone has followed the guidelines. You can see that everyone has wear the mask, everyone has also carried the sanitizer inside. मैं परशुराम सैनी प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छत्तर मंडी से बोल रहा हूँ। हमारे विद्यालय में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा HPS 2020 का एग्ज़ाम लिया जा रहा है और ये एग्ज़ाम आज 2 सत्र में चल रहा है। सुबह का सत्र 10 से 12 और शाम के सत्र का टाइम 2 से 4 है। हमारे विद्यालय में 180 कैंडिडेट्स को अलॉट किया है और सुबह के सत्र में 180 में से 66 एबसेंट थे, 114 प्रेजेंट थे और हमने काफ़ी दिन पहले से ही इस एग्ज़ाम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी तैयारियां कर रखी थी। गेट पर हमने एक क्लास फोर एम्प्लॉई को तैनात किया था जिन्होंने कैंडिडेट्स को तभी प्रवेश दिया जब थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की गई, टेम्परेचर मापा गया, हैंड्स उनके सैनिटाइज किए गए और प्रत्येक रूम को हमने सैनिटाइज किया था और बैठने की व्यवस्था भी ऐसी की थी ताकि कम से कम 2 मीटर की दूरी को सुनिश्चित किया जा सके। हमने बैठने की व्यवस्था में जो कैंडिडेट की सीट थी उसके बगल में आगे पीछे एक एक सीट हमने खाली रखी थी ताकि अगर किसी में थोड़ा बहुत संक्रमण पाया भी जाता है तो उसका विपरीत प्रभाव दूसरे छात्रों के ऊपर ना पड़े। और इसके साथ ही हमें ये भी निर्देश प्राप्त हुए थे कि अगर किसी को सर्दी के लक्षण हैं, जुकाम के हैं, खांसी है, बुखार है या कोविड पॉजिटिव है तो उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था करनी है। हमने वो व्यवस्था भी अलग कर रखी है और उसके लिए एक इन्विजिलेटर की ड्यूटी भी लगाई है। तो पूरी टीम मेरी पहले से ही तैयारी कर रही है और हमारा एग्ज़ाम सुचारू रूप से चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे एग्ज़ाम अच्छे कर रहे होंगे, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक्स। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा।